I am back with a bang, and today we're going to begin with our chapter, The Happy Prince, for class 9th. I am very excited about this chapter because this chapter has been written by Oscar Wilde, one of the most famous writers of all time. And this chapter explicitly talks about a lot of important themes and has actually a very unimaginable story, so to say. All right, so we will be talking about The Happy Prince. Hello, Prince Kumar. Hi. Already aa gayi hu Arvind Arora ji session mein main. Theek hai, I'm already here. Alrighty. So, tell me one thing. जो मुझे 9th क्लास के बच्चों से पूछना था कि भैया तुम लोगों के स्कूल में कौन से चैप्टर चल रहे हैं. आई वुड लाइक यू टू थ्रो सम लाइट ऑन दैट कि आप लोग स्कूल में जो है कहां तक पहुंच गए हो. ओके, ऑलराइटी. एंड या हेलो निकुंज, हेलो ऋषभ गोगोई, हेलो ऋषभ. अभी गए थे, अभी आ गए, है ना निकुंज? ऐसे तो होता है कि अभी अभी तो मिले हो, अभी अभी वापस आ जाओ. सो लाइक दैट. स्कूल बंद है मैम्स. ऋषभ, ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही है तुम लोगों की, बंद थोड़ी है ना स्कूल? इट्स बीन हाँ बा क्यों नहीं हो, बहुत टाइम हो गया है देखे हुए, बहुत ज्यादा. कितने टाइम से तुम क्लास अटेंड नहीं कर रही हो, बैड गर्ल. ओके ठीक है. हेलो जयंत, देन टेल मी वन थिंग, तुम कौन सी क्लास में हो? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू जयंत कुमार. हेलो पूनम मेहरा जी, हाय. Which class are you guys in? Matlab at my question is directed towards Jayant Kumar. Let me know. He's in 10th. Wow. Corona mein school band hai. Rishabh, mere saath se to school chal rahe hai. Sabki online classes ekdam chal rahi hai. Ma'am, ek saal se. Haan, bilkul Nikunj. Kyun nahi? Ek saal se session nahi liya. Dialog marwa lo tum logo se bhar bhar ke, duniya bhar ke. Okay. So our chapter is The Happy Prince, जो कि आपका supplementary book में से है, ठीक है? और ये chapter काफी amazing है, तो हम इसको बहुत amazing तरीके से पढ़ेंगे. I hope you guys like this chapter. और आपको जो है इसमें जो major themes हैं, वो सारी की सारी समझ आएंगी. मैंने about the chapter कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि लिखती तो सारा का सारा मजा ना एकदम किरकिरा हो जाता. तो हम लोग about मतलब themes जो है chapter की, वो जब chapter खत्म करेंगे तब कर लेंगे. लेकिन अभी जो है हम लोग majorly chapter पढ़ना start करेंगे. ओके, इस सब का बंद है. अच्छा भैया, ये कैसा स्कूल है जो बंद है? ओके, सीसी अटैच्ड फाइल इन स्कैंड इमेज. अभिषेक, आई कांट सी अटैच्ड फाइल इन स्कैंड इमेज. क्या चल रहा है? ओके, Happy to see you all in Happy Prince's era. Exactly, Bhavan. Prince Kumar, मैंने hi बोल दिया तुमको already. Ma'am, you not believe me, ma'am. नहीं नहीं जयंत, I definitely believe you. Okay, I definitely do. Nikunj, नहीं अभी नहीं किया. Ma'am, did you had गलत English होती है. 9th class का chapter Adventure of Toto. नहीं पूनम बहरा जी, हमने जो है the Lost Child किया था, उसके बाद मैं सीधा Happy Prince कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग के school में जो है most probably Happy Prince चल रहा है अभी. Yeah, that's why. Okay, no online classes from school. Rishabh, अलग ही स्कूल में बेटा, तुम बहुत ही अलग स्कूल में. मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है, लेकिन जनरली स्कूल की जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रही है. ठीक है, ऑलराइट. सो लेट्स बिगिन. फटाफट से हम लोग अनअकैडमी के ऑफर्स के बारे में बात कर लेते हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर चैप्टर. ओके, सो अनअकैडमी, बच्चा आपको पता है कि स्कॉलरशिप जो है आपका टेस्ट है, हर संडे को होता है, 11 बजे होता है. सो जाइए और इसमें पार्टिसिपेट करिए, हर संडे पार्टिसिपेट करिए, स्कॉलरशिप जीतिए और फिर स्कॉलरशिप से सीबीएसई सब्सक्रिप्शन फ्री में पाइए. ठीक है, और 25th जुलाई तक एक्सटेंड हो गया है आपका मेगा ऑफर, जिसमें जो है आप लोग सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन जो है खरीदेंगे. और अगर आप 12 मंथ से ऊपर की किसी भी टाइम पीरियड के लिए खरीदेंगे, तो आपको अप टू 6 मंथ्स तक के जो है क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल सकती है. और साथ ही साथ आपको जो है सीबीएसई की क्लासेस भी जो है वो फ्री में मिल सकती है. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो अप टू 6 मंथ्स जो है आपको क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन और सीबीएसई की क्लासेस फ्री में मिल सकती हैं. सो मेक श्योर कि आप लोग जाइए और ये जरूर जरूर खरीदिए, जल्दी से खरीदिए. बक्स बाउंटी ऑफर भी आपका चल रहा है. कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट तुमको पकड़ में आता है किसी भी टीचर की वीडियो में, तो आप जाइए और उस इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को रिपोर्ट कर दीजिए. ठीक है, आपको इस
चुगली करने के वास्ते प्राइज मिलेगा, तो जो सबसे पहला बच्चा होगा द फर्स्ट स्टूडेंट टू रिपोर्ट दैट इनअप्रोप्रिएट कंटेंट विल विन अ प्राइज, दे कैन क्लेम अ प्राइज फॉर दैट। ठीक है, और अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको पता है, बहुत अमेजिंग टीचर्स हैं, सुपर फैबुलस है, प्रैक्टिस टेस्ट है, लाइव टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, सिर्फ आपका कोर्स नहीं सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्राइसिंग देखिए, सब सारी चीजें अच्छे से देखिए और कोड यूज करिए SSIN10। इस कोड को यूज के बिना तो नहीं लेना है, 10% ऑफ मिलेगा प्लस साथ में इंग्लिश की गाइडेंस मिलेगी। तो जरूर जाइए और इस कोड के साथ लीजिए अपना प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस नहीं लेना तो आइकॉनिक ले लो भाइयों बहनों, आइकॉनिक लेजेंडरी स्टफ है, आपको आपका खुद का एक पर्सनल मेंटर मिलेगा जो आपकी जिंदगी की सारी चीजें जो है वो सॉल्व कर देगा और आपके पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट करेगा, लाइव डाउट सॉल्विंग करवाएगा, स्टडी प्लानर, वीकली रिपोर्ट और बहुत सारे अनअकैडमी के इन्यूमरेबल बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कराएगा। सो गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल, डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड SSIN10। ये तो कोड आपका राम बाण है, ये कोड इस्तेमाल करोगे बेटा जी तो 10% ऑफ मिल जाएगा और इंग्लिश में गाइडेंस भी मिल जाएगी। अनअकैडमी प्लस आप लोग इंस्टॉलमेंट से भी खरीद सकते हो, बस 12 महीने से ऊपर का पैक लेना है और 0 cost EMI के साथ आप खरीद सकते हो। कोड आपको पता है, कोड इस्तेमाल करना है SSIN10, उसके अलावा कोई कोड इस्तेमाल नहीं करना है। डाउट आता है आपको कोई भी और टीचर्स अवेलेबल नहीं है तो अनअकैडमी की ऐप आपके पास हमेशा अवेलेबल है, जाइए अनअकैडमी की ऐप पे, आस्क डाउट फीचर पे क्लिक करिए, पिक्चर लीजिए अपने डाउट का, फोटो अपलोड करिए अपने डाउट की, फोटो को क्रॉप कर दीजिएगा ताकि उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आए, कंप्लीट क्वेश्चन आए, सब्जेक्ट चूज करिए और वीडियो सॉल्यूशन भाग भाग के आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइटी, अब हम लोग जो है इट्स वर्किंग राइट, कोई दिक्कत थी क्या सेशन में, अभी लोड होता हुआ दिख रहा था। व्हाट क्या अंकित, व्हाट हैपेंड टू यू टुडे? ओ कांग्रेचुलेशंस अंकित, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू, या दैट्स वेरी नाइस अंकित, स्टॉप इट। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन टॉकिंग अबाउट आवर राइटर। सो द राइटर ऑफ आवर चैप्टर और लेट्स से द ऑथर of our chapter is none other than the famous celebrity, famous writer celebrity, Oscar Wilde, जो 1854 में पैदा हुए थे, 19 का देहांत हो गया था, और ये एक आयरिश पोएट थे और प्ले राइट थे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पोएट्री लिखते थे, ये प्ले राइट भी थे, ये शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे, ये बेसिकली सब लिखते थे, नाम लो और ये सब लिखते थे। ठीक है, After writing in different forms throughout the 1880s, he became one of the most popular playwrights in London in the early 1890s. So, 1890s में जो है इनको final recognition मिला था, मतलब इनकी मौत के सिर्फ 10 साल पहले या शायद सिर्फ 4-5 साल पहले इनको जो है recognition मिला था इनके work के लिए। तो अक्सर ऐसे ही होता है, ये जो poets, playwrights अगर होते हैं, इनको कोई भाव नहीं डालता है, मतलब या तो इनकी मृत्यु के बाद इनको भाव मिलता है या फिर जब एकदम मौत करीब आ जाती है तब उन लोगों को भाव मिलता है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद ऑस्कर वाइल्ड एज वेल। ठीक है, ये अभिषेक पारापेट क्यों भेज रहे हो यहाँ पर है क्या चल रहा है, कोई मुझे भी कॉन्गो करो निकुंज क्या चल, कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम लोग चुप करो। ठीक है, इधर हम बहुत बढ़िया सी स्टोरी पढ़ रहे हैं, उस पर फोकस कर, start focusing here, it's an amazing amazing story, all right, chalo ma'am meaning diya parapet kaha abhishek lekin wo pichli class mein hum pad rahe the na, is class mein parapet thodi pad rahe, to pichli class mein meaning dena tha, is class mein kyun de rahe ho hello nancy hi, theek hai chalo start karte hain। 10 साल पहले बोलने वाला था, ओ गॉड निकुंज स्टॉप इट, ऋषभ ये चल क्या रहा है, What's happening? All right, so हम लोग सीधा हमारी स्टोरी स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को मैं हल्का सा आइडिया देती हूँ, बेसिकली ये जो स्टोरी है हमारी एक हैप्पी प्रिंस के बारे में है, और आई थिंक इससे ज्यादा मैं आपको आइडिया दूंगी नहीं कि वो हैप्पी प्रिंस कौन है क्या नहीं है, वो मैं बताऊंगी नहीं आपको, आपको स्टोरी पता चलेगा तभी आप लोग को जो है अच्छे से समझ आए। ठीक है, All right, so let's begin the story.
कि अब क्यों दे रहे हैं, अब चल बसा में एग्जैक्टली अब मुझे भी यही फील आती है कि भैया अब छोड़ दो तो बेचारे को, अब गया। फिर जब बेचारा राइटर मर जाता है तो उसके मेमोर्स पब्लिश करते हैं, है ना, फिर उसको पॉस्थमसली उसको अवार्ड देते हैं, नोबेल प्राइज देते हैं। वो भाई राइटर को क्या फर्क पड़ रहा है, अब तो वो गया संसार से, है ना। नहीं, बाद में उसको दुनिया की रिकग्निशन दे रहे, मतलब बेचारा सैड लाइफ। हाँ ऋषभ मेरा निक नेम है, आई नो मैम, क्योंकि मैं तब नहीं था, ये देखो अभिषेक को। ओके बाय अभा, फाइन, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो भैया वो जो हमारा शहर था उसमें एकदम शहर में एकदम ऊंचाई पे एक टॉल कॉलम पे, तो आपको दिख रहा है साइड में फोटो जो लगी हुई है, कि इसमें ऐसे जैसे आपका वो बना हुआ है ना, हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है वल्लभ भाई पटेल जी का, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ऐसे पहले एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, उसके ऊपर स्टैचू है। तो ऐसे ही हमारा ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बना रखा था, पहले किस तरीके का प्लेटफॉर्म बना रखा है उसको कॉलम कहा गया है यहाँ पर, और उसके ऊपर जो है पूरे का पूरा उन्होंने हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगाया हुआ है। तो ऑलरेडी हमें समझ आ गया कि हैप्पी प्रिंस इज अ स्टैचू, ठीक है। ही वाज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सैफायर्स एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। तो वो ये कहते हैं कि भैया ये जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है ना, कोई छोटा मोटा स्टैचू नहीं था, ठीक है, ये पूरा गोल्ड से स्टैचू बना हुआ था, तो गिल्डेड था। गिल्डेड माने के गोल्ड से जो है इस पे कारीगरी करी गई थी, और उसकी आंखों में जो है सफायर्स थे, तो ये रत्न होते हैं टाइप के। और उसकी जो तलवार थी, जैसे आपको तलवार दिख रही होगी इस फोटो में, जो तलवार थी इसका जो हिल्ट था, हिल्ट माने के जहां पर उसका हैंडल और स्वॉर्ड जो है वो मिक्स हो रहे हैं, उसमें एक लार्ज रेड कलर का रूबी लगा हुआ था। अगेन एक बेसिक इम्पॉर्टेंट रत्न लगा हुआ था। सो जो रत्न लगे हुए थे और गोल्ड से बना हुआ था, ये दिखाता है कि कितना ज्यादा पैसा जो है और कितना ज्यादा टाइम एंड एफर्ट जो है स्टैचू पे लगाया गया था। तो दिस मस्ट मीन कि ये जो प्रिंस है ये काफी इम्पोर्टेंट रहा होगा अपने टाइम पे उस शहर के लिए, ठीक है। दिस इज व्हाट द चैप्टर टेल्स अस। ओके, विलियम शेक्सपियर को तो जेल में डाल दिया, बाद में मार डाला, अभी उनकी फोटो हर देश के। एग्जैक्टली भवेन पांड्या, पूनम बहरा जी, इट्स ओके, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो भाई, कोई बात नहीं, लैंग्वेज धीरे धीरे ही इम्प्रूव होती है, ठीक है, डोंट लूज योर हार्ट। ये देखो ऋषभ फिर से ह्यूमैनिटी के पीछे चालू हो गए, ठीक है ऋषभ, आई नो यू विल बिकम अ फिलोसोफर, ठीक है, डोंट वरी। Alrighty, fine. One night there flew over the city a little swallow. तो एक क्या होता है, एक रात को क्या होता है, ये जो हमारा सिटी है उसके पास से गुजर रहा होता है एक स्वालो। स्वालो क्या है बेसिकली, स्वालो इज अ बर्ड, ये है, ये फोटो मैंने लगा रखी है, दिस इज अ स्वालो, ठीक है। जैसे हमारी छोटी सी चिड़िया होती है ना, वो है ये, एक टाइप की चिड़िया है, इसका नाम रखा है स्वालो। ओके, सो ये चिड़िया जो है ये अपना उड़ रही होती है, उड़ रहा होता है सिटी पे से। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. तो ये जो स्वालो था हमारा, इसके जो दोस्त वगैरह थे वो सब इजिप्ट की तरफ चले गए थे, ठीक है, 6 हफ्ते पहले ही, लेकिन इसको मन नहीं गया तो ये रुक गया, और फिर बाद में इसने डिसाइड किया कि चलो मैं भी इजिप्ट चला ही जाता हूँ। तो ये जो है इजिप्ट की तरफ जा रहा था जब ये सिटी से उड़ रहा था, ठीक है। अच्छा ठीक है ऋषभ, मत बनना, वैसे भी फिलोसोफर्स की कमाई नहीं है। हाँ, तो एथीस्ट होना और फिलोसोफर होना दैट इज कंप्लीटली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। ओके, तो कोई अगर 9th क्लास का बच्चा है और उनको कोई डाउट है तो वो अपना यहाँ पर मुझे बता सकते हैं, अगर उन्हें कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे चल देती हूँ, ठीक है। लेट मी नो, आई डोंट थिंक कि ठीक है 9th क्लास के बच्चों को कोई भी डाउट है, फाइन, लेट्स मूव ऑन देन।
अगर किसी बच्चे को जाना है जो 10th क्लास का है वो जा सकता है, कोई भी इश्यू नहीं है मेरे को। या ऋषभ, एग्जैक्टली। ओके फाइन। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। तो अब क्या होता है भैया, पूरी रात जो है हमारा ये, पूरे दिन जो है ये स्वालो उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, और रात के टाइम पर जो है ये सिटी में वापस आ जाता है, सॉरी सिटी में आ जाता है। तो ये कहीं और से उड़कर आ रहा था, ही वाज फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर एल्स, एंड देन ऑन हिज वे ही फाउंड दिस सिटी एंड ही डिसाइडेड टू टेक रेस्ट इन दिस सिटी। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड। सो ही आस्क्ड हिमसेल्फ वेयर शैल आई पुट अप, कि मैं कहाँ पर अपने आप को रखूँ, कहाँ पर रेस्ट करूँ, कैसे मैं जो है थोड़ा सा अपना घर वगैरह बसाऊँ थोड़े एक दो रातों के लिए, क्योंकि मेरे को रेस्ट करने का है। ठीक है। ओके। आई होप द टाउन हैज मेड प्रेपरेशंस। तो वो ये कहता है कि भैया मेरे को, मैं कहाँ रुकूँ, मुझे ऐसा लगता है कि भैया आई होप कि ये जो टाउन है इसने प्रेपरेशंस बनाए होंगे, मतलब कहीं ना कहीं तो टाउन में कोई ऐसा जगह होगा जहां पर बर्ड्स वगैरह रेस्ट कर सकते हैं। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड। इट इज अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो अलाइट करने का मतलब क्या होता है? अलाइट करने का मतलब होता है एक तरीके से उतरना। ठीक है। तो इसने जो है अपनी फ्लाइट, जो ये उड़ रहा था, जो हमारा ये स्वालो है, इसने क्या किया, ये हैप्पी प्रिंस के जो पैर थे, जो स्टैचू के पैर थे, उनके बीच में आके बैठ जाता है कि चलो यहाँ पर शांति है, हवा भी आएगी, स्टैचू भी ऊंचा है, कोई तंग भी नहीं करेगा, चिल है, मैं यहाँ पर रेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो दिस इज व्हाट ही सेज हियर। देन ही सेज आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। He said softly to himself as he looked round and he prepared to go to sleep. So our swallow is pretty fine now. He's like कि चलो ठीक है, मेरे को घर वगैरह मिल गया है, मैं इधर सो लेता हूँ। But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. But what happens? A large drop of water falls on him. What a curious thing! He cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. So our swallow is confused because a single drop fell on him, and he looks at the sky, and he is not able to spot any cloud or any sign of impending rain. And he starts thinking to himself as to what could this mean, because there is no rain that is going to take place. There are no clouds in the sky. Where is this water coming from? Then another drop fell, and as he was thinking this, another drop falls on him. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. So हमारा स्वालो पूरा स्वाग में कहता है कि भैया क्या फायदा है इस रेन स्टैचू का, अगर हम ये बारिश से नहीं बचा सकता मेरे को। I must look for a good chimney pot. तो कहता है कि अब मेरे को यहाँ से उड़ के जाना पड़ेगा, मेरे को चिमनी कहीं पे ढूंढनी पड़ेगी ताकि चिमनी मेरे को बारिश से बचा ले। And he determined to fly away. और वो पूरा सोच लेता है कि मैं उड़ के जा रहा हूँ। But before he had opened his wings, a third drop fell and he looked up and saw, what did he see? और फिर उसके पास ऊपर एक और तीसरी वो बूंद गिरती है और वो एकदम भन्ना जाता है, वो एकदम गुस्से में ऊपर देखता है, और वो क्या देखता है? तो वो क्या देखता है? वो हम लोग अब देखेंगे। ठीक है। तो आई होप देर आर नो डाउट्स। What? ठीक है, अगर कोई डाउट्स हो तो मैं बीच बीच में कमेंट्स देखती रहूंगी। अगर कोई 9th क्लास के बच्चे हैं तो वो बता दीजिएगा कि उन्हें कोई डाउट है या नहीं है। ठीक है। The eyes of the happy prince were filled with tears and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. So I think in all the modern stories and all the movies that have to do something with religion, you all must have seen that the statues start crying. But here there is no religion point of view. It's just basic
story that Oscar Wilde is telling here. He is saying that Happy Prince, that the statue of the Happy Prince was actually crying, and that is why the tears were falling down on the swallow. And when the swallow witnessed this, he saw the fine, the beautiful sculpted face of the Happy Prince, and he was filled with pity for him because he could see that the statue was crying, and so he did not want to disrespect him again. "Who are you?" he said. "I am the Happy Prince." So look at the contrast here. The statue is even named as Happy Prince, but the very first dialogue, or the very first occasion that we see the Happy Prince is when he was crying. So the Happy Prince was obviously not happy. That is completely visible. But the contrast has been set in a very beautiful way, wherein the concept of Happy Prince is shattered at the very first instant that the Happy Prince is shown. All right. "Why are you weeping then?" asked the swallow. So the swallow asked him who was he, and the statue replied, "I'm Happy Prince." And the swallow was confused, because if you're Happy Prince, then why are you crying? Because you're supposed to be happy, right? So this is contrasting. This is a contradiction here. "You have quite drenched me." But the swallow is kind of a sarcastic guy here. He at least in the beginning does not look emotional about this. He is more like कि यार क्यों रो रहा है मेरे को भिगा रहे हो तुम, है ना? तो थोड़ा sarcastic type से वो बात कर रहा है कि क्यों रो रहा है भाई, क्यों भिगा रहा है मेरे को, है ना? तो उसको अपने भीगने की चिंता, उसको रोने वोने की खास चिंता है नहीं. So this is what we are shown about the swallow. और आप ये भी देखेगा कि swallow जो है अपने दोस्तों के साथ 6 हफ्ते पहले जो है इजिप्ट नहीं गया. तो somehow वो शायद अपने दोस्तों के साथ भी इतना अटैच्ड नहीं था. Somehow उसको जहां पर वो था वहां पर उसको शायद रहने का ज्यादा मन था, बट लेटर ऑन डिसाइडेड कि चलो अकेले रहने से अच्छा दोस्तों के पास चला जाता हूँ. तो यहाँ पर भी एक अलग स्टोरी स्वालो की भी है, और अब हैप्पी प्रिंस की स्टोरी जो है वो हमको दिख रही है. ठीक है. ओके, तो कोई डाउट है आप लोगों को? अच्छा ठीक है, आप हाँ अंडरस्टूड. सो आप बैठ कर हैप्पी प्रिंस की स्टोरी एंजॉय कर सकते हो मेरे साथ. हेलो जॉयदीप कर्माकर. ओके, ये आई डोंट नो डेडशॉट गेमर और ऋषभ का क्या म्यूजिक चल रहा है यहाँ पे. ठीक है, इफ देयर आर नो डाउट्स तो हम आगे चल सकते हैं. ओके, तो हमारा जो स्वालो है वो बड़ा सरकास्टिक है. वो कहता है कि भैया क्यों भिगा रहा है मेरे को अपने आंसुओं से, है ना? और हैप्पी प्रिंस बहुत सैड है. हैप्पी प्रिंस कहता है कि मेरा नाम हैप्पी प्रिंस है, और हमें दिखता है कि जो पहला ही इंस्टेंट है उसमें वो रो रहा है. सो पहले ही उसका जो हैप्पी प्रिंस वाला इमेज है वो शैटर्ड कर दिया है बिगिनिंग में ही स्टोरी के. Okay. "When I was alive and had a human heart," answered the statue, "I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the Happy Prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died." So यहाँ पर आपको जो है बच्चे बहुत सारी चीजें नोटिस करने को मिलेंगी इस चीज में. He says, "When I was alive and had a human heart." So somehow he is still kind of alive. Obviously, he can still feel everything. He is still humanized. He is personified also. So, ये कह रहा है कि जब मैं जिंदा था और मेरे पास एक इंसानों वाला दिल था, तब मुझे नहीं पता था आंसू क्या होते हैं. So, this talks about the sheltered life that the privileged people get. This talks about the bubble that major privileged people live in. For example, the prince here was obviously like, you know, the prince, and had buttloads of money with him. He had a lot of servants to take care of him. He had nothing to really care about, and he had lots and lots of money to make him happy. So he did not go through any sadness in his life. He never felt the want of something. He never felt deprived of something. He had everything, and he was happy, obviously. When you have everything and you have no sorrow, he's happy. So he says that the sorrow was not allowed to enter in the palace, which means that sorrow is always outside the palace. The prince, the king, the rich people are not generally sad,
राइट, बट ऑल द अदर पीपल आउटसाइड दैट पैलेस वर सैड एंड पुअर. तो इसे सो आई लिव्ड इन सो आई डाइड. तो कहते कि मैं हैप्पी था और मैं जीता था और मैं ऐसे ही मर गया. सो ही इवन सेज कि भैया ऑर्डिनरी लाइफ थी, बस ऐसे ही खुश था, ऐसे ही था और ऐसे ही मर गया. एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अग्लीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माय सिटी एंड दो माय हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप. सो यू गाइस कैन सी हियर कि वो कहता है कि अब मुझे इन लोगों ने मरने के बाद सिटी पे एकदम ऊंचाई पे खड़ा कर दिया जहां से मुझे सारी अग्लीनेस सारी मिजरी दिख रही है. सो व्हाट डज दिस मीन, ही हैड ऑब्वियसली अ शेल्टर्ड लाइफ बिफोर, ही हैड अ बबल दैट ही वाज लिविंग इन एंड द सॉरो दैट वाज नॉट अलाउड टू एंटर द पैलेस मेंट दैट ऑल द डार्क टाइडिंग्स ऑफ हिज सिटी वर नॉट टोल्ड टू हिम. So which means that he was not informed about the misery that his people went through, the poverty that was killing the people of his city. He did not know anything about that. He was very happy in his own bubble. और अब उसको जो है सारी की सारी सच्चाई पता चल रही है कि कैसे उसकी लाइफ जो है वो एक अलग ही दुनिया में वो जी रहा था. ठीक है, और वो अब कहता है कि अब जो मेरा दिल है भले ही वो लेड का है, तो भले ही मेरा दिल मेटल का है, अब पहले मेरे पास ह्यूमन हार्ट था और मैं कभी नहीं रोया, लेकिन अब मेरा दिल मेटल का है और अब मैं रो रहा हूँ क्योंकि अब मुझे चीजें दिख रही हैं. सो दिस मींस दैट ही कैन स्टिल फील थिंग्स, ही इज स्टिल एज अलाइव एज ही वाज, ऑल्दो ही इज मेड इन अ स्टैचू एंड ही डज नॉट हैव हिज ह्यूमन मोबिलिटी विद हिम एनी. तो ये जो चीजें हैं वो डिफरेंट है. ठीक है, ओके. Deadshot Gamer, I'm not responding to these things. If you have any doubt, तो आप मुझे वो यहाँ पर बता सकते हैं. ठीक है, okay. Ninth class के students हैं और अगर उन्हें कोई doubt है, so let me know. Otherwise, I'll just move on. Deadshot Gamer, I'm not replying to these. Not at all. ऋषभ इज माई स्पोक्समैन. वो देखो बोले जा रहे हैं कि मैम विल इन्वेस्ट समवेयर और नॉट. Deadshot Gamer, I know what doubts you have. I'm not catering to that. If you have any study related doubt or any relevant doubt that is related to this chapter, to what I'm teaching, then I'm happy to answer all of those doubts. Okay. Fine, then I'll just move on. Then he says, what? Is he not solid gold? Said the swallow to himself. So you can see ki swallow jo hai, wo sahi mein bahut sarcastic hai. Wo emotional nahi hai. Aur swallow is like ki itni saari baat mein se usko sirf is cheez ka farak pada hai ki iska heart jo hai wo lead ka hai. Maane ki sirf upar ka outer appearance gold ka hai, lekin andar se khokla hai. Samajh rahe ho? So only the outer appearance. तो ऐसे ही आउटर अपीयरेंस ऑफ द पैलेस, आउटर अपीयरेंस ऑफ द सिटी, हर एक चीज के आउटर अपीयरेंस पे बहुत ज्यादा जो है चीजें यहाँ पर एक पन मारा गया है और अंदर से खोखला होने का सच्चाई बताया गया है कि भले ही बाहर से आप कैसे भी दिख रहे हो, अंदर से खोखले हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये चीज एक ऑड आइडिया यहाँ पर. तो आप लोग को ये जो मेजर थीम्स मैं बता रही हूँ ये सब प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग को समझना चाहिए कि किस तरीके से स्वालो यहाँ पर एक सरकास्टिक टेक ले रहा है एंड स्वालो इज ओनली कंसर्न विद द आउटर अपीयरेंस एंड नॉट इमोशंस. बट जो हमारा ह्यूमन जो ये हैप्पी प्रिंस है वो जब ह्यूमन था तो उसे सपनों में फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उस तक कुछ पहुंचा नहीं और अब जो है उस तक सब पहुंच रहा है तो अब उसको खोखलापन महसूस होता है. ठीक है, और अब वो एक ज्यादा इंसान है जब वो इंसान था उससे ज्यादा. He was too polite to make any personal remarks. तो जो स्वालो है वो कहता है कि भैया मैं जो है ये बोलूंगा नहीं. ये उसने खुद से बोला, ये वो आगे नहीं बोलना चाहता था क्योंकि वो बहुत पोलाइट था. तो मतलब वो बेसिकली रोस्ट नहीं करना चाहता था सामने वाले हैप्पी प्रिंस को, वो जो है अपने तक रखना चाहता था ये रोस्टिंग. तो उसने बोला नहीं, तो वो बस सुन रहा है बेसिकली. ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ हैप्पी प्रिंस व्हाट हैपेंड. Deadshot Gamer, दैट्स व्हाट वी आर रीडिंग कि डेथ ऑफ हैप्पी प्रिंस के बाद क्या हुआ, क्योंकि जो डेथ
हैप्पी प्रिंस की, उसके बाद उसको स्टैचू बना दिया गया, और जब वो स्टैचू बन गया तो उसको दुनिया, उसकी जो अपनी सिटी है उसमें सारी खामियां और सैडनेस दिखने लगी, तो फिर वो रोने लगा. सो दैट इज द स्टोरी. मैम लास्ट में, ओके जॉयदीप कर्माकर जी, फाइन, आई विल गिव यू वेरी शॉर्ट समरी एट द एंड, ठीक है? ऑलराइट, अभी हम आगे चलते हैं. फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस. तो अब जो स्टैचू है वो अपना स्टोरी टेलिंग मोड में चला गया है, ठीक है? स्टैचू इज लाइक कि म्यूजिकल वॉइस. म्यूजिकल वॉइस मतलब कि अब जो है वो दुनिया से थोड़ा सा डेज आउट हो गया है, और वो जो है अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रख रहा है कि अब उसे बोलना क्या है. तो वो कहता है फार अवे, कहता है बहुत दूर, और वो धीरे धीरे बोलता है म्यूजिकल वॉइस. फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस. तो भैया क्या है, पुअर हाउस है बहुत दूर एक गली में. One of the windows is open and through it I can see a woman seated at a table. तो कहता है कि मुझे दिख रहा है कि घर है, घर का खिड़की खुला हुआ है और वहां पर एक औरत बैठी है टेबल पे. Her face is thin and worn. तो औरत का फेस सूखा हुआ है और वर्न है. वर्न का मतलब बहुत ज्यादा काम की वजह से जो फेस है उसमें फ्रेशनेस नहीं है, फेस ऐसा लग रहा है थका हुआ है. And she has coarse red hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress. So how does he describe that she is a seamstress? He does not just straight away give us the occupation. He shows us what the work of a seamstress entails. He tells us that there are red prickles on his hand, on her hand, because she's a seamstress. So she works with needles all day, and those needles prick her hand most of the times. Okay, so that's why she has red coarse hands. She's embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. तो वो कहती है, कहता है कि भैया जो वो हमारी ये सीमस्ट्रेस है, सीमस्ट्रेस मतलब कि दर्जी एक तरीके से, तो जो दर्जी है वो क्या कर रही है, वो एक सैटिन गाउन, तो वो एक ड्रेस बना रही है जिसपे वो फ्लावर्स जो है वो बना रही है. क्यों? क्योंकि क्वीन जो है उसकी मेड ऑफ ऑनर, उसकी बेसिकली दोस्त के लिए वो ड्रेस बना रही है जो नेक्स्ट कोर्ट बॉल में वो पहनेगी. तो हमारी जो सीमस्ट्रेस है वो क्वीन की दोस्त के लिए काम कर रही है, और ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और वो हमको भी पता चलेगा क्या गड़बड़ है. ठीक है? नहीं निखर अग्रवाल जी, एग्जैक्टली, थैंक यू रेड शॉट गेमर. सॉरी, सुन लीजिए, नहीं है कोई भी. He gives, yeah, he does. Okay. आगे चलते हैं. तो ये क्या है, ये हमारी सीमस्ट्रेस है, ये देखिए टेबल पर काम कर रही है, और यहाँ पर जो है बहुत ही प्यारा मोटिफ लगाया गया है कि ड्रेस पर जो है वो फ्लावर्स लगा रही है. फ्लावर्स जनरली हम समझते हैं कि खुशी और पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, है ना? तो वो ड्रेस पर फ्लावर्स लगा रही है ताकि वो जो मेड ऑफ ऑनर है, जो दोस्त है, वो पॉजिटिव वाइब दे, वो ब्यूटी दिखाए. लेकिन सीमस्ट्रेस के खुद के हाथ जो है, खुद की हालत जो है वो खराब है. तो ये एक रन डाउन मेटाफर है, एक तरीके से मोटिव है कि किस तरीके से जो इंसान खुद बहुत खराब होता है वो जनरली बहुत ही प्यारी चीजों को क्रिएशन करता है. ठीक है? तो ये भी जो है कि यहाँ पर एक काफी हेल्दी मेटाफर यूज किया गया है. शी इज द सीमस्ट्रेस, और देखो वो कितने डेडिकेशन डेडिकेशन के साथ जो है काम कर रही है. ठीक है? या एग्जैक्टली, दिस इज इंटरेस्टिंग. ओके, प्लीज रिपीट द लाइन मैम. कौन से वाला लाइन रिपीट करना है जॉयदेव, बताओ? विच लाइन? दिस लाइन. शी इज एम्ब्रॉयडरिंग, एम्ब्रॉयडरी का मतलब कढ़ाई कर रही है. फ्लावर्स, तो वो फ्लावर्स बना रही है एक गाउन पर जो उसको क्वीन की दोस्त के लिए बनाना है, क्योंकि क्वीन की दोस्त उसको नेक्स्ट फंक्शन में पहनेगी. ठीक है? यस, इसी चैप्टर का मेंटी होगा. जी हाँ, फ्राइडे को वीकली मेंटी होता है, जिसमें मैं सब कुछ पढ़ाती हूँ, उसका मैं मेंटी लेती हूँ फ्राइडे को. ठीक है? ऑलराइट, फाइन, लेट्स मूव ऑन. आई थिंक मैंने लास्ट टाइम रिपीट कर दिया है. पूनम बहरा जी, ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं क्लास 9th का पोम पढ़ा दूंगी, आप बता देना पूनम बहरा जी आपको कौन सा पोम पढ़ना है, मैं वही पोम पढ़ा दूंगी. ठीक है? ठीक है आभा, ओके.
बिल्कुल। ऑल राइट, डेड शॉट गिवन, मैं इसी टाइम पे आती हूँ, 9 PM फॉर 9th क्लास एंड 8 PM फॉर 10th क्लास। स्टैचू में भी जान होती है। सही बोला ऋषभ, एग्जैक्टली सही बोला। ओके, सो सीमस्ट्रेस आप लोगों ने देख ली। अब हम आगे चलते हैं, आगे सीन क्या है। सो इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। सो ये सब कुछ जो है स्टैचू ही बता रहा है अभी हमें। तो स्टैचू बताता है कि ये बेचारी दर्जी तो काम कर रही है एकदम भाग भाग के, ना एकदम परेशान होके अपना काम कर रही है, और साइड में कॉर्नर में बेड पर इसका बच्चा पड़ा हुआ है जिसको फीवर है, जिसको क्या है, बुखार है। ही हैज अ फीवर एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज क्राइंग। तो अब आप लोगों को उसके प्रॉब्लम पता चलती है कि उसके बच्चे को फीवर है एंड ही वॉन्ट्स ऑरेंजेस समहाउ। आई डोंट नो व्हाई ही वॉन्ट ऑरेंजेस। हमको बीमार होते हैं तो हमको दवाई चाहिए होती है या कुछ टेस्टी खाना चाहिए होता है, एंड उसको ऑरेंज चाहिए। सो ही वॉन्ट्स ऑरेंज बट द लेडी डज नॉट हैव ऑरेंज। ओके, द लेडी ओनली हैज रिवर वॉटर, सो ही इज गिविंग रिवर वॉटर टू हिम बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद इट, सो ही इज क्राइंग वाया 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 वाया। तो यहाँ पर आपको एक पॉवर्टी वाला हाउस होल्ड दिखा कि किस तरीके से वो बेचारी क्वीन की दोस्त के लिए जो है ड्रेस बना रही है, लेकिन तब भी उसके पास पैसे नहीं है, वो अपने बच्चे को ऑरेंज नहीं खिला पा रही है, वो उसको पानी पिला पिला के शांत कर रही है, लेकिन बच्चा शांत नहीं हो रहा। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। तो अब हमें दिखता है कि एक्चुअली में जो ये स्टैचू है वो चाहता क्या है, हैप्पी प्रिंस चाहता क्या है। हैप्पी प्रिंस वांट्स टू हेल्प। सो यहाँ पर हमें समझ आता है कि हैप्पी प्रिंस इज अ काइंड पर्सन। उसका हार्ट जो है वो लेड का होने के बावजूद भी ह्यूमन से भी ज्यादा ह्यूमन है। तो ये काफी बढ़िया और नेक्स्ट लेवल थीम है जो यहाँ पर बताई गई है कि किस तरीके से स्टैचू जो है उसको दया आ रही है लोगों की कंडीशंस पे, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो दया नहीं कर रहे हैं, वो कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। जो क्वीन है वो कोई हेल्प नहीं कर रही, क्वीन की दोस्त कोई हेल्प नहीं कर रही है, ये लोग अपनी मस्ती में अपने पैलेस में घूम रहे हैं, बट जो स्टैचू है उनको उसका दिल जो है ह्यूमन से भी ज्यादा ह्यूमन है लेड का होने के बावजूद। ठीक है, तो वो अब कहता है कि स्वालो स्वालो, क्या तुम मेरी तलवार में ये जो रेड रूबी लगा हुआ है क्या तुम ये जाकर वो दर्जी को दे आओगे। क्यों? क्योंकि मेरे पैर जो है वो बंधे हुए हैं इस पेडेस्टल। फासन का मतलब एक तरीके से टाइट से बंधना, तो बंधे हुए हैं इस पेडेस्टल से, मैं तो नहीं जा सकता। क्या तुम ये रूबी जाकर इस औरत को दे आओगे, क्योंकि ये रूबी बेच के थोड़े पैसे ले आएगी और ऑरेंजेस दे देगी अपने बेटे को। ठीक है, तो आई विल जॉइन दिस, आई विल एंड द सेशन एट 10 o'clock, सो वी हैव 20 मिनट्स रिमेनिंग। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वैलो। अब स्वैलो को देखो, स्वैलो अपना सरकास्टिक सेल्फ लेके वापस आ गया। स्वैलो इज लाइक कि भैया मेरे को इजिप्ट में लोग इंतजार में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वैलो इज लाइक कि मेरे को टाइम वाइम नहीं है, अपन जो है इजिप्ट जा रहे हैं, अपन का वहां पे इंतजार हो रहा है, अपन बड़े लोग हैं। My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. तो अब जो है अपनी फेंक रहा है स्वालो, मतलब पहले तो देखो स्वालो खुद नहीं गया दोस्तों के साथ, और अब जो है वो अपने दोस्तों की ही फेंक रहा है यहाँ पर हैप्पी फ्रेंड्स के सामने। कहता है कि भैया मेरे दोस्त जो है वो नाइल रिवर जो है उसके ऊपर उड़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं वो वहां पर लोटस फ्लावर्स से, और जल्दी ही वो सो जाएंगे। तो वो ये कहना चाह रहा है कि उसको इजिप्ट निकलने का है, वो ये सब नहीं कर सकता। ओके, द प्रिंस आस्क्ड द स्वालो टू स्टे विद हिम फॉर 1 night एंड बी हिज मैसेंजर। तो अब प्रिंस जो है वो क्या करता है, प्रिंस कहता है कि ए भाई रुक जा, भाई प्लीज रुक जा, भाई प्लीज रुक जा, एक रात रुक जा, है ना, एक रात मेरा काम करते फिर तू तो इजिप्ट चला जाइए। तो हमारा जो प्रिंस है वो इस तरीके से बोलता है स्वालो। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड ही सेड। तो प्रिंस जो है वो ट्राई कर रहा है कि वो स्वालो में इमोशंस जगाए, तो वो कहता है कि भैया बेटा जो है वो बहुत ही ज्यादा प्यासा है और जो मम्मी है वो बहुत ही ज्यादा उदास है। ठीक है, तो लेकिन स्वालो पूरा बचने की कोशिश में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से जो हैप्पी प्रिंस एक स्टैच्यू होने के बावजूद इमोशंस लाने, इमोशंस उसके अंदर है और स्वालो के अंदर नहीं है,
और वो कोशिश कर रहा है कि वो इस लिविंग थिंग में, इस स्वालो में इमोशंस लाने की कोशिश करे, दया पिटी लाने की कोशिश। तो स्वालो अपना फिर से बोलता है कि भैया मेरे को ना लड़के वड़के ज्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। तो स्वालो उसको मना कर देता है कि ना ना ना, अपन नहीं करेगा, अपन को जो है लड़के पसंद नहीं है। तो कहता है आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, कहता कि मेरे को लड़की पसंद नहीं है, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, कहता है मेरे को इजिप्ट जाने का, मैं नहीं रुक सकता। ओके, क्योंकि 9 बजे बच्चे नहीं आते, दैट्स व्हाई। ओके फाइन, तो आगे चलते हैं। आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा, फाइन। बट दी हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट दी लिटिल स्वालो वाज सॉरी। लेकिन हैप्पी प्रिंस जो है ना, वो इतना सैड लगा कि फाइनली जो हमारा ये लिटिल चिड़िया थी, इसने बोला कि चल ठीक है भाई, तेरा काम कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ऐसे बोला उसने, कहा इट इज वेरी कोल्ड हियर ही सेड। तो उसने थोड़ा जताया, उसने कहा कि देखो इजिप्ट में गर्मी है, यहाँ बहुत सर्दी है, मैं इसीलिए इजिप्ट जा रहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत सर्दी है, लेकिन चल ठीक है, मैं तेरे लिए एक रात रुक जाऊंगा और तेरा काम कर दूंगा और तेरा मैसेंजर बन जाऊंगा। थैंक यू लिटिल स्वालो, स्वेट द प्रिंस। तो प्रिंस जो है वो ग्रेटफुल फील करता है इस चीज के लिए और कहता है थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू, तूने मेरी बात रख ली भाई, तू भाई है अपना, थैंक यू, ठीक है। तो इस तरीके से वो थैंक यू बोल देता है। मैम तो स्पैरो को कहाँ जाना था बेटा? उसको इजिप्ट जाने का था। इजिप्ट में उसके दोस्त थे, वो अपने दोस्तों के साथ तो गया नहीं, उसको अब इजिप्ट जाने का मन था। तो वो यहाँ पर डींगे हाँक रहा था कि भैया इजिप्ट में मेरा इंतजार हो रहा है, बड़ी हस्ती हूँ मैं, मेरे दोस्त वगैरह वहां पर इतनी मस्ती कर रहे हैं, मेरे को जाने का है। तो वो पूरा बचने की कोशिश कर रहा है, उसमें इमोशंस जो है वो कुछ खास आ नहीं रहे थे, लेकिन एंड में जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है हैप्पी प्रिंस, तो वो मान जाता है कि चल ठीक है, मैं तेरी बात रख लेता हूँ, एक रात में जो है रुक जाता हूँ, यहाँ बहुत सर्दी है लेकिन मैं एक रात रुक जाता हूँ। दिस इज व्हाट ही सेज हियर। ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन। कोई डाउट है किसी को? 9 स्टूडेंट्स, जॉयदीप कर्माकर, आई थिंक पूनम बहरा जी, कोई डाउट है क्या आप लोगों को? लेट मी नो जल्दी से। यस मैम, नो मैम, लिख दीजिए। दे विल गो टू स्लीप, इसका मतलब, ओके जॉयदीप, दे विल गो टू स्लीप का मतलब है कि जो उसके दोस्त हैं वो सो जाएंगे, है ना। इसका मतलब है कि जो उसके दोस्त हैं, जो लोटस फ्लावर्स हैं, वो सब कुछ सो जाएंगे और फिर ये जो है अपने दोस्तों से मिल नहीं पाएगा, बात नहीं कर पाएगा। तो ये जो है, ये वाली चीजें बता रहा था हैप्पी प्रिंस को कि अगर मैं तुम्हारे लिए रुक गया तो ये सब चीजें मैं मिस कर दूंगा, ठीक है। नो वैशाख एस नंबूथरी, दिस इज फॉर क्लास 9, थैंक यू। ओके ठीक है, ऑलराइट, मुझे कोई डाउट नहीं दिख रहा है तो मैं मूव ऑन करती हूँ। आई होप मैंने जो पहले वाले हैं वो क्लियर कर दिए होंगे। या ओके फाइन, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन देन। The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. तो स्वालो क्या करता है, वो भैया कर लेता है वो काम जो बोलता है हैप्पी प्रिंस, वो उसके तलवार में से रूबी निकालता है और उड़ने लग जाता है, मस्त उड़ान अपनी भर रहा होता है वो पूरे से शहर में, पूरे शहर के जो बड़ी बड़ी ऐसे बिल्डिंग्स थी उनकी छतों पे से वो उड़ रहा होता है, मस्त उड़ रहा होता है, अपना जा रहा होता है। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. तो वो चर्च के ऊपर से गया। कैथेड्रल टावर जो है वो चर्च का होता है, जहां पर एंजल्स बने होते हैं ऑब्वियसली। He passed by the palace and heard the sound of dancing. और वो महल के पास से भी गया, महल में उसको नाचने की आवाज आई। तो महल में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, महल में सब लोग एकदम अपना चिल कर रहे, नाच वाच रहे हैं। A beautiful girl came out on the balcony with her lover. और एक जो बहुत ही सुंदर सी लड़की है वो बालकनी में बाहर आती है अपने लवर के साथ, मतलब अपने प्यार करने वाले व्यक्ति के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी। और यहाँ पर आपको दिखेगा किस तरीके से जो ये लड़की है, ये क्या है, ये वो मेड ऑफ ऑनर है, ये फ्रेंड है क्वीन की, और इसको सपनों में फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको सपनों में फर्क नहीं पड़ रहा है कि बेचारी सीमस्ट्रेस क्या कर रही है, किस हालात से गुजर रही है,
ना उसको नहीं पता, ना उसको फर्क पड़ रहा है, बल्कि वो जो है बैक बिचिंग और करे, चुगली और करे, कहती कि यार मैंने बोला है ना अपनी दर्जी को कि मेरी ड्रेस पे फ्लावर्स बना दे, लेकिन जो दर्जी है ना बहुत लेजी होता है, काम ही नहीं करते है। ये ऐसे डायलॉग मारे, जबकि बेचारी दर्जी वहां पर बैठ के इसका काम कर रही है, जबकि उसका बच्चा जो है वो फीवर में तड़प रहा है। तो दिस शोज यू द ब्लाइंडनेस ऑफ द रिच पीपल टुवर्ड्स द फ्लाइट दैट पुअर पीपल गो थ्रू, एंड किस तरीके से जो ये किंग वगैरह थे, जो पैलेस में लोग रहते थे, उनको पता ही नहीं था कि उनके सब्जेक्ट्स के साथ क्या हो रहा है, और कैसे वो लोग एक्सप्लॉइट करते थे हर एक चीज, है ना। ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर साथ साथ दिखती जाएंगी कि कैसे जो है यहाँ पर जो हमारी ये लड़की है ये अपना ही उड़ रही है, खुश है, डांस कर रही है, सब कुछ कर रही है, लवर है, पैसा है, एवरीथिंग, और तब भी जो है ये दर्जी के ऊपर बोल रही है कि भले कामचोर होता है, कोई काम नहीं, लेजी हो, ठीक है। तो दैट्स नॉट कूल। ओ माय गॉड आभा, देन जस्ट स्टे, ओके 10 बजे दोनों साथ में चलेंगे। ऑल राइट फाइन, लेट्स मूव ऑन। ही पास्ड ओवर द रिवर, फिर उसने क्या किया, वो रिवर के ऊपर से गया, तो उसने इस लड़की की हरकत देखी, फिर वो रिवर के ऊपर से उड़ता हुआ गया, और उसने क्या देखा कि भैया लोग जो है वो शिप्स में ट्रैवल कर रहे हैं। सो दिस इज जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ द सिटी वाज। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमन्स हाउस एंड लुक्ड इन, और फिर वो क्या करता है, उस बेचारी औरत के घर पे आ जाता है और देखता है अंदर। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, शी वॉज सो टायर्ड। तो मतलब उस मदर में, उस औरत में इतनी भी जान नहीं थी कि वो बच्चे पर और ज्यादा ध्यान दे सके, उसकी जो है वो इतना थक गई थी काम कर करके कि वो सो गई, और बच्चा जो है वो फीवर के मारे करवटे ले रहा था, उसकी हालत खराब हो रखी थी। इन ही हॉप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन्स थिम्बल। तो जो वुमन का थिम्बल था, माने कि उसका जो अंगूठा चलाने वाला था, वो जो है उसके साइड में जो है वो रूबी रख देता है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स। हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, एंड ही सैंक इनटू डिलीशियस स्लंबर। सो अब आपको यहाँ पर दिखता है कि किस तरीके से जो स्वालो है वो भी थोड़ा सा काइंड हार्टेड है, और कैसे वो बच्चे की हेल्प करता है ना, उसका दिल भी पसीज जाता है इन लोगों की हालात देखकर। तो वो औरत के पास वो रूबी रख देता है, और फिर बच्चे के पास जाता है और अपने पंखों से उसके सर पे थोड़ी हवा कर देता है। तो बच्चे को एकदम से इतना गर्म होके तड़प रहा था, वो उसको ठंडा ठंडा फील होता है, और बच्चा कहता है कि मैं सही में ठीक हो रहूंगा, और फिर वो प्यारी सी नींद में सो जाता है, ठीक है। सो फाइन सॉरी, सो ही फाइनली स्लीप्स बिकॉज ऑफ द काइंड एक्ट By the, well, right? तो यहाँ पर हमें दिखता है कि जो हमारा स्वालो है वो उतना ज्यादा भी मतलब बुरा दिल का नहीं है, एकदम कठोर दिल नहीं है, उसका भी दिल है, और भले ही वो उतना इमोशन वाला इंसान ना हो हैप्पी प्रिंस की तरह, लेकिन वो लोगों की मदद करना चाहता है, ठीक है। या एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा एक बार मैं देख लेती हूँ आप लोग के कमेंट्स, कि आप लोग कोई डाउट तो नहीं लिख रहे हो। ओके लेट मी सी, अगर आप लोगों ने कोई डाउट लिखा है पहले तो इसको प्लीज दोबारा से भेज दीजिए, ताकि मुझे अभी दिख जाएगा। ओके आई थिंक मुझे दिखा है मैम। थिम्बल क्या है? ओके जॉयदीप, थिम्बल जो होता है ना वो एक्चुअली में हम जब सीविंग करते हैं, माने हम जब ये सीते हैं कपड़ों को, जब हम जो सीमस्ट्रेस दर्जी जो है वो कर रही थी, एम्ब्रॉयडरी कर रही थी ना, तो हम अंगूठों पे जो है एक मेटल टाइप की चीज पहनते हैं, ठीक है, अंगूठे को बचाने के लिए, क्योंकि अंगूठे में जो है बहुत ज्यादा नीडल घुस जाती है जब हम स्यू कर रहे होते हैं, तो अंगूठे पे मेटल होता है उस शेप में, तो वो उसके साइड में जो है रूबी रख देता है, ठीक है। दैट इज व्हाट यू मीन बाय थिम्बल। ओके और कुछ? एम्ब्रॉयडर्ड एंड सीमस्ट्रेस मीनिंग, सीमस्ट्रेस का मतलब जॉयदीप मैंने बताया था दर्जी, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कढ़ाई करना, ठीक है। तो वो फ्लावर बना रहे थे। ओके आई थिंक और कोई डाउट नहीं था। फाइन ठीक है, और कोई डाउट नहीं है, आई थिंक आप क्लियर द डाउट्स।
फाइन, चलिए आगे चलते हैं। देन आई थिंक ये हमारा लास्ट है, इसके बाद नहीं है, सो दिस इज वेयर वी एंड टुडेज क्लास। ठीक है, बस ये लास्ट हम पढ़ेंगे। स्वालो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। अब हमारा स्वालो जो है उसने क्या काम कर दिया, उसने भैया अपना जो रूबी था उसका काम हो गया, उसने वो रूबी रख दिया है औरत के पास, उसने बच्चे को भी हवा कर दिया और उसका काम हो गया। वो वापस से हैप्पी प्रिंस के पास जाता है कि भैया चलो मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। ठीक है, ये बताने के लिए जाता है। टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। इट इज क्यूरियस ही रिमार्क, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज सो कोल्ड। और यहाँ पर एक और थीम जो है वो ऐड हो जाती है। आप ध्यान से देखोगे, अभी थोड़ी देर पहले जो है हमारा जो ये स्वालो था वो कहता है कि भैया बहुत गर्मी है, और अब अचानक से स्वालो को क्या लगने लग जाता है, थोड़ा वार्म लगने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि स्वालो को अब अच्छा फील होने लग जाता है, बिकॉज ही हैज हेल्प्ड समबडी। ठीक है, जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें भी एज अ ह्यूमन अच्छा फील होता है, राइट? तो वही स्वालो के साथ हुआ है। अब उसको थोड़ा गर्म लग रहा है, वो इतना उड़ के भी गया है तो ऑब्वियसली बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी जो है वर्क किया है, प्लस उसके दिल को भी अब थोड़ा गर्म लग रहा है, वरना उसका दिल बड़ा ठंडा हो रखा था, कोल्ड हार्टेड था। एंड देन ही बिकेम लाइक अ वार्म हार्टेड पर्सन। सो ये जो बहुत सारी छोटी छोटी थीम्स है ये काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सॉरी, कोल्ड हार्टेड थीम नहीं, कोल्ड हार्टेड हार्ट वाला पॉइंट जो है यहाँ पर था स्वालो का पहले। ठीक है, और देन ही टॉक्स अबाउट हाउ ही बिकेम वार्म हार्टेड काइंड हार्टेड, सो टू से। क्लियर? ओके फाइन, आगे चलते हैं। That is because you've done a good action, said the prince. तो प्रिंस वही कहता है कि तुमने क्या है, एक अच्छा काम किया है। And the little swallow began to think and then fell asleep. और little swallow भी इस बारे में सोचने लग जाता है कि किस तरीके से उसने एक अच्छा काम किया और उसको अच्छा महसूस हुआ, और भी सोचते सोचते सो जाता है। Thinking always made him sleepy. So ज्यादा सोचता नहीं था swallow, जितनी बार वो ज्यादा सोचता था वो सो जाता था। ठीक है, When day broke, he flew down to the river and had a bath. तो भैया वो नहा लेता है जब दिन उगता है। Tonight I go to Egypt, said the swallow. And he was in high spirits at the prospect. तो वो कहता है कि भैया आज रात को मैं इजिप्ट जाऊंगा, और वो बहुत खुश होता है इस बात को लेकर कि वो इजिप्ट जाएगा। He visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple. तो वो क्या करता है, पूरे दिन में वो सारी की सारी जो मॉन्यूमेंट्स थी उस सिटी में उन सबको देखता है, घूमता है उनमें, साइट सीइंग करता है बेसिकली, और बहुत देर जो है चर्च के ऊपर बैठता है और हर एक चीज को नोटिस करता है। ठीक है, एंड हमने जो है आज एंड कर दिया है। मैम इसका मतलब पहले कोल्ड था, अब वार्म हो गया हेल्प करने से। एग्जैक्टली जॉयदीप, एग्जैक्टली यही चीज मैंने बोली कि पहले जो है कोल्ड हार्टेड था, वो कह रहे थे ना इट इज वेरी कोल्ड हेयर, तो पहले कोल्ड हार्टेड था, उसको फर्क नहीं पड़ रहा था। हमने देखा कि किस तरीके से स्वालो जो है पहले वो बोलता है कि नहीं भैया मेरे को किसी की मदद वदद नहीं करनी है, मेरे को इजिप्ट जाने का है, मुझे लड़के पसंद नहीं है, लेकिन जब स्वालो खुद उस बच्चे की हालत देखता है तो वो खुद जाके उस बच्चे के ऊपर हवा करता है ना, तो ही डज दिस आउट ऑफ हिज ओन काइंडनेस, और फिर बाद में उसको अच्छा लगने लगता है और ही स्टार्ट फीलिंग वार्म, जैसे उसका मेंटल जो मेकअप है वो ही उसको बॉडी को वार्म फील करा रहा था। ओके, अब यहाँ पर आगे क्या होता है, क्या स्वालो अब उड़ जाता है इजिप्ट के लिए, या फिर वो हैप्पी हैप्पी प्रिंस जो है उससे कुछ और भी काम करवाता है, ये सब कुछ जो है हम कल पढ़ेंगे 9 बजे। ठीक है, तो ये सब कल के एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लास्ट के जो हमारे 5 मिनट्स हैं क्लास के, उनमें जो है हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमने जो है यहाँ पर अलग अलग चीजें नोटिस करी और अलग अलग चीजें पढ़ी। आपके भी कोई पॉइंट्स हैं जो आपने ऑब्जर्व किए, या आपका और कोई डाउट है जो आपको पूछना है, कोई थीम है जो आपको नहीं समझ आया, वो सब कुछ हम इन लास्ट 5 मिनट्स में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्या कैसे बने गाइज, फोकस हेयर। हेयर ऋषभ, ये क्या चल रहा है डीजे वाले मैम्स?
रिशव्स नो नॉट प्लेइंग योर सॉन्ग। ओके स्वालो शावर से नहाता है क्या? तो यहाँ पर जो है हमें बताया गया है कि वो जो है रिवर में नहाता है, ऐसे कोई शावर नहीं होता उसके पास नहाने के लिए। बेसिकली पंछी वगैरह ऐसे बस रिवर में डूब जाता है और भैया हो गया उसका नहाना, तो वैसे रिवर में डूब जाता है थोड़ी देर के लिए और फ्लोट करता है और उसका हो जाता है बात, और फिर वो अपने इजिप्ट के लिए एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट दी प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट का मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए। मैम लास्ट टू लाइन्स प्लीज। ओके ठीक है जॉयदीप, लास्ट टू लाइन्स बता देती हूँ। कौन से वाली एक बार आप बता दो कि कहाँ से लास्ट टू लाइन्स, टुनाइट से या फिर बस ही विजिटेड जो लास्ट लाइन है वहां से। तो एक बार जॉयदीप बता दो कहाँ से आपको देखना है। गॉड विराट जैन स्टॉप इट, फालतू की चीजें नहीं प्लीज क्लास में। जॉयदीप आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, कौन सी लाइन से बताना है उसका पहला वर्ड लिख दो। ठीक है व्हेन, व्हेन, ओके व्हेन, अच्छा ठीक है और ऊपर से मतलब, फाइन ऑलराइट, गिव मी अ मोमेंट आई विल इरेज ऑल दिस। तो यहां पर वो कहता है व्हेन डे ब्रोक, तो डे ब्रोक का मतलब है जब सुबह हुई। ठीक है, तो जब सुबह हुई When the day broke, he flew down to the river. तो वो रिवर की तरफ जो है उड़ा, रिवर थोड़ी सिटी में नीचे की साइड थी तो वो वहां की तरफ उड़ा। एंड हैड अ बाथ, तो उसने वहां पर नहाया डूबकर। टुनाइट आई गो टू इजिप्ट सैड द स्वेलो, तो वो जो है फिर बहुत खुश हो गया कि आज रात को, कल रात को तो मैं इजिप्ट नहीं जा पाया लेकिन आज रात को मैं पक्का इजिप्ट जाऊंगा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स, तो हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है? हाई स्पिरिट्स का मतलब आप जो है काफी ज्यादा एक्साइटेड हो उस चीज को लेकर, हैप्पी। ठीक है, सो ही वाज इन हाई स्पिरिट्स माने के एक्साइटेड एट द प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है कि जो भी चीज फ्यूचर में कुछ होने वाली है, तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी एक तरीके से। तो क्योंकि उसका इजिप्ट जाना पॉसिबल था आज रात को, तो वो उसके लिए काफी एक्साइटेड था। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स, तो उसने सारी जो है मॉन्यूमेंट्स जो थी वो सब वो घूमा पूरे दिन में। एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, और चर्च का जो टॉप है एकदम उस पर वो काफी टाइम तक बैठा रहा, नोटिस करता रहा चीजें। ठीक है, तो दैट्स व्हाट ही केप्ट डूइंग द होल डे। ओके अर्चना, क्लास 10th के पीरियोडिक टेस्ट होने वाले हैं, व्हाट डू यू वांट मी टू डू हियर, हाउ डू यू वांट मी टू हेल्प यू, लेट मी नो। ओके आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा जॉयदीप, और कोई इश्यू तो नहीं है? किसी को भी अगर कोई वर्ड समझ नहीं आया, जो 10th क्लास के बच्चे भी क्लास में हैं, प्लीज गाइज लुक एट द वोकैबुलरी, हर एक चीज आपका हर एक जगह पर हेल्प करेगा। ठीक है, कल बेटा 9 बजे ही। सो गाइज हमारी जो क्लासेस हैं, क्लास 10th का क्लास होता है 8 PM पर, एंड क्लास 9th का क्लास होता है 9 PM पर। ठीक है, यूट्यूब पर। और हम लोग जो है स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं, तो स्पेशल क्लासेस के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा प्रोफाइल का लिंक है उसको फॉलो करिए, क्योंकि मैं 9th और 10th की स्पेशल क्लासेस भी लूंगी, और मैं कल भी गाइस स्पेशल क्लासेस लूंगी। जो 10th क्लास के बच्चे हैं, आभा और बाकी सारे बच्चे अगर कोई है 10th क्लास के, तो नहीं सुबह नहीं, 9 PM अभी जिस टाइम पर, भैया रात को PM लिखा तो है मैंने, रात को क्लासेस होती है मेरी। ओके ऑल द क्लासेस टेक प्लेस एट 9। हाँ, तो मैं ही कह रही थी विराजन आई थिंक है NTSC का चैनल, या आभा मैं वही पूछना चाह रही थी कि ऑन विच टॉपिक डू यू गाइस वांट अ स्पेशल क्लास। हमें एक जो है पोम के ऊपर क्विज करना है, तो एक वो तो डन है, मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं वो कल या परसों में कर लूंगी, बट
बट अदर देन दैट हमने एनालिटिकल पैराग्राफ ऑलमोस्ट कवर कर लिया है. आप लोग चाहते हैं कि मैं एनालिटिकल पैराग्राफ पर एक और स्पेशल क्लास दूं, या फिर वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है ना? और उसके अलावा अगर स्पेशल क्लास आप लेना किस टॉपिक पर चाहते हो कि मैं लूं, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि हम स्पेशल क्लास में भी कुछ चैप्टर्स कवर कर लें तो वो भी ज्यादा फन रहेगा. विराजन पोम होता है, पोयम नहीं होता है, पोयम आउटडेटेड हो गया है प्रोनाउंसिएशन. अर्चना तो आपके पीरियोडिक टेस्ट में क्या क्या आएगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज का प्रिपरेशन करा दिया है, प्लस मैं एमसीक्यू भी जो है वो बहुत ज्यादा प्रिपेयर करा रही हूँ. मैंने अभी लास्ट टू डेज दो बार जो है लिटरेचर क्विज लिया है क्लास टेंथ का, जिसमें जैसे आपका टर्म वन के ऊपर बेसिस होगा, तो आई हैव टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ दैट एज वेल. यस मैम ले लो. जोहदीप क्या ले लू, नाइन्थ करी टेंथ का पूछ रही हूँ मैं. नाइन्थ वाले स्टूडेंट्स किस बात पे चाहते हैं? ऑप्शन दो मैम. आभा आई थिंक लेटर राइटिंग बचा है हमारे पास, बट आई वाज थिंकिंग कि हम लोग अपनी क्लासेस जो है वो टर्म वन पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि लेटर राइटिंग वगैरह सब टर्म टू का पॉइंट है ना, सब्जेक्टिव क्लासेस की बात है. तो हम लोग देख सकते हैं, या तो मैं कल एक बार क्लास में सारे बच्चों से पूछ लेती हूँ 8 PM पर, तो शायद सारे बच्चे बताएंगे, तो कल स्पेशल क्लास नहीं करते हैं, कल हम लोग सिर्फ पोम क्विज कर लेते हैं. ठीक है, इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आएंगे जॉयदीप जी? अभी हमने चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे. ठीक है, अच्छा तो एक बार सिलेबस बता दे दो उन्हें अर्चना, फिर हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ओके ठीक है. आभा कोई आपके पास टॉपिक है स्पेशल क्लास के लिए तो बताओ जल्दी से. फनी मैम, ओके. आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि जैसे अर्चना आपके टेस्ट है, सो वुड यू वॉन्ट लाइक अ शॉर्टकट टू ऑल दी चैप्टर्स, जिससे मैं सब सारे चैप्टर्स की थीम के बारे में बात कर लूँ और उनमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लूँ. बट डिपेंड करता है कि आपके पीरियोडिक टेस्ट सब्जेक्टिव होंगे या फिर ऑब्जेक्टिव होंगे, आपको एक बार वो भी मुझे कन्फर्म करना, तो क्योंकि उस हिसाब से प्रिपरेशन. क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे? अच्छा आप गेम है क्वेश्चंस, तो बच्चे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव आएंगे. आई थिंक आप क्लास टेंथ में हो शायद, राइट? I don't know, Richard, कि मैं आप कौन सी क्लास में हूँ उस हिसाब से. अच्छा जॉयदीप, या समरी, ओके. राइटिंग स्किल्स, विराजन राइटिंग स्किल्स जो है अगेन वही पॉइंट है कि वो टर्म टू का पॉइंट है, अभी आपका टर्म वन 2 महीने में है, तो आई थिंक इसीलिए थोड़ा सा जो है हमें टर्म वन की तरफ फोकस करना है. राइटिंग स्किल्स में ऑलरेडी मैंने एनालिटिकल पैराग्राफ करा दिया है स्पेशल क्लास में. और समरी में जॉयदीप ये हुआ है कि शॉर्ट में हमारा जो है एक हैप्पी प्रिंस है, जो एक स्टैचू है, काफी सुंदर स्टैचू है, गोल्ड का बना हुआ है, सफायर है उसकी आंखों में, रूबी है उसकी गोल्ड में, और वो जो है उसके पास एक स्वालो, एक पंछी जो है वो उड़ता हुआ आता है, पंछी को इजिप्ट जाना होता है अपने दोस्तों के पास, तो वो बस ऐसी रेस्ट के लिए उसके पास रुकता है, और उसको दिखता है कि जो हमारा हैप्पी प्रिंस है वो रो रहा है, और वो एकदम भौचक्का हो जाता है कि पहली बात तो स्टैचू रो रहा है, दूसरी बात रो क्यों रहा है. तो ही स्टार्ट्स आस्किंग हिम एंड हैप्पी प्रिंस जो है वो उसे बताता है कि भैया मैं बहुत खुश था जब मैं जिंदा था, इंसान था, लेकिन अब मैं बहुत दुखी हूँ मरने के बाद, क्योंकि मेरे को अब मेरी सिटी का सारा दुख दिख रहा है जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, है ना. तो वो बताता है कि भैया एक लेडी है, एक दर्जी है, उसका बच्चा काफी दुखी है, फीवर में है, तो वो कहता है कि स्वालो तुम प्लीज मेरा ये जो स्वॉर्ड का रूबी है वो जाके इस औरत को दे आओ, वो अपने बच्चे को ऑरेंजेस खिला देगी, क्योंकि उसके बच्चे को ऑरेंजेस चाहिए. तो जो स्वालो है वो काफी सरकास्टिक है, मना करता है कि नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को अपने दोस्तों के पास जाना है, मैं ये सब नहीं करूंगा, लेकिन फाइनली वो मान जाता है और वो करता है, और बाद में उसका हार्ट जो है खुद ही काइंड हो जाता है, खुद ही वो जाके बच्चे के ऊपर हवा करता है अपने पंखों से ताकि बच्चे को अच्छा फील हो, और रूबी रखाता है. ठीक है, तो उसका हार्ट जो है बाद में वार्म फील करता है, पहले उसको बहुत ठंड लग रही थी, कोल्ड हार्टेड फील था, कोल्ड हार्टेड था वो पहले. तो दिस इज व्हाट वी हैव रेड टिल नाउ. और नेक्स्ट जो है वो अपना जाने के लिए रेडी होता है, जाने के लिए वो देखता है भैया सुंदर शहर है, शहर को साइट सीइंग मतलब एकदम कर रहा होता है अच्छे से, और वहां पर हमने आज तक आज की स्टोरी एंड करी. ठीक है, तो शॉर्ट स्टोरी मैम और कुछ टॉपिक ले लो, राइटिंग स्किल्स है तो राइटिंग ही कराऊं. हाँ
या फिर चैप्टर्स का वन शॉट करा दूं थीम्स वगैरह के साथ। ठीक है, एक बार कल हम बच्चों से कंफर्म कर लेंगे। कल मैं पोम क्विज तो एक रख ही लूंगी। ठीक है, ओके ओके। योर नेम इज आदित्य एंड यू आर इन 9th क्लास। ठीक है, तो डेड शॉट मतलब आदित्य, एक बार हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हम इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। जनरली आपके क्वेश्चंस जो है वो थीम्स पर आते हैं, है ना, थीम्स पर। तो जैसे स्वालो का कैरेक्टर कैसा था और किस तरीके से जो है यहाँ पर रिच पुअर डिवाइड दिखाई गई है, ये सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हमने चैप्टर ही पूरा नहीं पढ़ा है तो हमें आइडियाज नहीं लग पाएगा पूरा। ठीक है, ऑलराइट। तो अब मैं चलती हूँ गाइस, इट्स मोर देन 10 o'clock। आगे चले गए हैं हम 10 बजे से भी बातें करते करते और पढ़ाई करते करते। मैम ग्रामर डिफिकल्ट जाता है क्लास 10th बोर्ड में? नहीं अर्चना, ग्रामर एज सच कोई डिफरेंट है ही नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। अब मैंने ग्रामर के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस लिए हुए हैं, सो आप चैनल में एडवांस ग्रामर सीरीज ढूंढ सकते हो, बेसिक ग्रामर सीरीज ढूंढ सकते हो, उसमें आपको ग्रामर की सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ऑलरेडी मैं 10th क्लास का ग्रामर खत्म करा चुकी हूँ, बाकी आप लोग चाहो तो मे बी वी कैन डू ग्रामर वंस अगेन। ऑलराइट, अभी मैं चलती हूँ, आई विल सी यू गाइज टुमारो एंड हाँ एग्जैक्टली, आप साथ में चलेंगे। एंड करके जाऊंगी तो तुम सब लोग भी चले जाना कहीं यहीं पर बातें करते चलो। ठीक है, चलो मैं जाती हूँ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मैं कौन सी क्लास में हूँ? ऋषभ तुम तो 11th में हो, तुम तो रहने दो। जॉयदीप, आई एम फ्रॉम दिल्ली NCR, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करेगा चैनल को, लाइक करेगा वीडियो को और शेयर करेगा वीडियो को, एंड प्लीज ब्रिंग ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स टू द क्लासेस एज वेल। ओके, शेयर इट एज मच एज यू कैन। चलिए मैं चलती हूँ, आई विल सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टाटा।